कर लिए, अरे पूरे पूरे देश में पूरा जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस प्रकार से आर्थिक सफलता की ओर हम बढ़े हैं। कांग्रेस ने तो गर्त में डाल दिया था भारतवर्ष को। ये जितने माल्या दिख रहे हैं, जितने मोदी दिख रहे हैं, नीरव मोदी और कौन कौन नाम, मेहुल चौकसी और क्या क्या नाम लेने आ रहे हैं, ये नाम ये इजाद और इनका जन्म 2008 से प्रारंभ हुआ है। और मैं समझता हूँ इतने जो बैंक में बगैर सिक्योरिटी के लोन दिए गए उनकी वजह से आर्थिक व्यवस्था जर्जर हुई, जिसको मोदी जी मजबूत। किसने क्या कहा ये नहीं मुझे पता सर, वरना मैं किसी पर टिप्पणी करता सर, मुझे इतना पता है कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास कहा है और किसी जाति और धर्म को कभी बीजेपी ने अलग नहीं किया। लोग बीजेपी को मुकाबला करने के लिए जाति और धर्म को अलग, बीजेपी राम को मानने वाली है, रावण का तो हमेशा पराजय हुआ ना। मैं जो आप नाम ले रहे मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। ऐसे तो तमाम लोग हैं जो बीजेपी का बीजेपी से विरोध रखते हैं, वो भारत में नहीं भारत के बाहर भी रखते हैं। अमेरिका चाहता है मोदी जी ना आए, चीन चाहता ना आए, पाकिस्तान चाहता ना आए, कांग्रेस चाहता ना आए, सपा चाहती ना आए, बसपा चाहती ना आए, अब आप कुछ और नाम ले रहे हैं। तो चाहने वालों की संख्या ज्यादा है ना चाहने वालों की, इनको ये नहीं पता है मोदी जी को चाहने वाले और योगी को चाहने वाले उत्तर प्रदेश और प्रदेश में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों की चिंता जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका ऐसे को चुनौती दी, चीन ऐसे को चुनौती दी है जो नहीं चाहते उनको, उनके चाहने से क्या वो हट गए और बड़े बहुमत से जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में 73 नहीं, योगी जी के नेतृत्व में 74+ का लक्ष्य उसको पाएंगे। नहीं, महागठबंधन को चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन बीजेपी को से नहीं है, महागठबंधन को अपने सहयोगियों से एक दूसरे से चुनौती है, वो बड़ी है और उसको वो पार नहीं कर पाएंगे। जो चैलेंज बीजेपी को किसी ने कोई चुनौती